हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पार्क यूट्यूब चैनल पे। मैं सुमित, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप अपने पीएनबी बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कैसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करना क्यों ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आजकल पीएम किसान का पैसा, सब्सिडी, गैस सब्सिडी का जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेजा जा रहा है। इसके अलावा वृद्धा पेंशन, अन्य सरकारी लाभ आपको बैंक अकाउंट के माध्यम से ही दिए जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अगर आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होगा तो आप कोई भी सरकारी लाभ जैसे गैस सब्सिडी, वृद्धा पेंशन, पीएम किसान का पैसा अपने उस अकाउंट में नहीं ले पाएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि बिना बैंक गए, बिना बैंक की कोई चक्कर लगाए, आप अपने घर बैठे अपने पीएनबी बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कैसे करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ज़रूरी बातें हैं, उसको ध्यान रखते हैं। पहले आपको ये चार चीज़ें ध्यान में रख लेना होगा। सबसे पहले आपको पास बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। दूसरा, आपका बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर जुड़ा है जिस पे आपको पैसे जमा या निकालने पर आपको एसएमएस प्राप्त होता है, वो आपके पास होना चाहिए। तीसरा, आपका आधार कार्ड का डिटेल्स जैसे नाम और डेट ऑफ बर्थ वैसे ही होना चाहिए जैसे आपके बैंक अकाउंट पे है। और चौथा, आपका आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए जिस पे आधार ओटीपी आपको आता हो। अगर ये चार चीज़ आपके पास है तो आप बिना बैंक का चक्कर लगाए अपने आधार कार्ड को बैंक से लिंक कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने आधार कार्ड को पीएनबी बैंक से लिंक कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने चलते हैं लैपटॉप पे और उसमें लिखेंगे pnbindia.in। पीएनबी के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, केवल पीएनबी से भी हम सर्च कर सकते हैं। ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम ई सर्विस पे जाएंगे। ई सर्विस में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ओटीपी बेस्ड आधार सीडिंग। इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए, क्लिक हेयर टू ओटीपी बेस्ड आधार सीडिंग, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एक पीएनबी का अकाउंट नंबर। यहाँ पे मैंने अकाउंट नंबर इंटर कर दिया। इसके बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद जो आपका बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी इसमें सबमिट करके और यहाँ पे कैप्चा डाल करके वैलिडेट करना है। चलिए हम ओटीपी डालते हैं और कैप्चा डालते हैं। फिर और इसके बाद वैलिडेट कर देना है ओटीपी, और मैंने कैप्चा जैसे देख रहे हैं आप, मैंने डाल दिया और इसके बाद वैलिडेट कर रहे हैं इसको। देखिए वहाँ पे अकाउंट नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ लिख दिया है, जिन अकाउंट होल्डर का नाम लिख देगा, डेट ऑफ बर्थ और वो जेंडर उनका लिख देगा। फिर यहाँ पे हम लोग को प्रोसीड फॉर आधार वेरीफिकेशन करना है और यहाँ पे आधार नंबर इंटर करना है। आधार नंबर इंटर करने के लिए जो आधार पे जो आपका आधार नंबर 12 डिजिट का होता है वो हम यहाँ पे इंटर करेंगे। और इसके बाद यहाँ यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपका जो आधार पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, आधार ओटीपी करके, वो आपके एसएमएस बॉक्स से अपना निकाल करके यहाँ पे इंटर करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ और इसके बाद वैलिडेट कर देना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डीबीटी में आपको चाहिए बेनिफिट या नहीं, यहाँ पे जरूर आप ओके करोगे। ओके करने के बाद ये देखिए आपका सक्सेसफुल आधार सेटिंग हो गया आपके बैंक अकाउंट में। अब यहाँ से आप पूरी तरह से डीबीटी के पूरी सरकारी फायदे आप अपने अकाउंट के माध्यम से ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसा ही आप लोगों के लिए वीडियो समय समय पर लेकर आते रहूँगा। धन्यवाद।